Yes, this topic is all about decentralization and ये जो आपका पार्ट है ये सेकेंड चैप्टर में है. ठीक है, पार्ट क्या है आपका? फेडरलिज्म जो चैप्टर है और उसका टॉपिक क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन. सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंटर से जब पावर्स डिवाइड कर दी जाती है, इसको क्या कर दिया हमने? डिसेंट्रलाइज कर दिया. पावर सेंटर में है, जब उसको डिवाइड कर दिया तो इट मींस इट इज डिसेंट्रलाइज. लेकिन हमने अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब गवर्नमेंट के लिए लिखना है तो हम क्या बताते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट. इट मींस डिसेंट्रलाइजेशन जो है दैट इज ऑल अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. अब इसमें लोकल वर्ड का मतलब क्यों है? बिकॉज लोकल पीपल कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स वेरी वेल. लोकल का मतलब विलेज के लिए लोकल कौन होंगे? विलेज के लिए फार्मर्स. सिटी के लिए लोकल कौन होंगे? जो सिटी पीपल होंगे. स्टेट, ठीक है, इसी तरह से सेल्फ का मतलब होता है उनकी अपनी. लोकल सेल्फ का मतलब होता है हर लेवल पे उनकी अपनी गवर्नमेंट हो. अब अगर आप बीइंग अ मतलब स्टूडेंट अगर देखा जाओ तो अभी आपको ये नहीं पता होगा कि आपके एरिया के कॉन्स्टेंट होंगे. कल को जब आपको किसी भी तरह से कोई भी जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टी के लिए, अपना कोई भी कोई आपने इंपॉर्टेंट पेपर वर्क करवाना है, तो उसके लिए क्या होता है? काउंसलर नियर बाय, सबसे नियर बाय जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो होता है काउंसलर. आप काउंसलर के पास जाओगे और काउंसलर जो है वो प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो. तो इट मींस लोकल, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? काउंसलर के पास. काउंसलर फिर आपको कहाँ पे लेके जाएंगे? अगर तो प्रॉब्लम काउंसलर के लेवल की होगी तो दैट विल बी सॉल्व. काउंसलर आपको आपके जो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको किसके पास लेकर जाएंगे? एमएलए. एमएलए कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अगर प्रॉब्लम एमएलए के पास भी सॉर्ट आउट नहीं होती है तो फिर आप कहाँ जाओगे? एमपी के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपकी प्रॉब्लम जो है तो बहुत ज्यादा है. अब प्रॉब्लम आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, अगर तो सिटी में सॉल्व होने वाली है तो काउंसलर, अगर सिटी से बाहर है तो एमएलए, और अगर स्टेट के बाहर है तो एमपी. तो इस तरह से लोकल लेवल का मतलब क्या होता है? लोकल लेवल को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारी कंट्री में एक डिफरेंट टायर. डिफरेंट टायर का मतलब हो गया, ये हो गया फर्स्ट टायर फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड टायर सेकंड लेवल. ये कौन सा लेवल है? थर्ड टायर. थर्ड टायर का मतलब होता है थर्ड लेवल, लोकल. इसको बोलते हैं लोकल लेवल. हमारी कंट्री में 1992 से पहले ये जो लेवल था ये स्ट्रांग नहीं था. क्यों स्ट्रांग नहीं था? क्योंकि हमारी कंट्री में उस टाइम पर में इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलर नहीं होते थे, और अगर इलेक्शंस रेगुलर भी नहीं होते थे तो ना कोई रिजर्वेशन थी, ना वीमेन को कोई रिजर्वेशन थी, ना एससी एसटी को कोई रिजर्वेशन थी, ना इनके इलेक्शंस के लिए कोई पर्टिकुलर बॉडी थी. ठीक है, और हमारी कंट्री का अकेला इलेक्शन कमीशन जो था वो सारे इलेक्शंस को लोकल लेवल पे जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकता था. इसीलिए 1992 से पहले कंट्रीज में जितनी भी स्टेट्स थी वहां पे पंचायतें होती तो थी, लेकिन एक बार जो पंच बन जाते थे वो 5 या 10 ईयर्स के बाद अपने आप को पंच और सरपंच ही मानते थे, और रेगुलर इलेक्शन नहीं होते, मतलब डेमोक्रेटिक नहीं था. लेकिन इस सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए 1992 से पहले भी बहुत सी कमेटीज बनी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी, और इसी पर्टिकुलर कमेटी जो है उसका नाम क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी. बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1992 से पहले. फिर इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी. रिकमेंडेशंस का मतलब होता है सजेशंस रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इस कमेटी की सजेशंस को मानकर हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट पास हुआ. और जब भी कोई एक्ट पास होता है ना वो अमेंडमेंट के द्वारा होता है. तो कौन सी अमेंडमेंट में हमारी कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को थर्ड टायर बनाया गया? विच अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट. हमारी कंट्री में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को थर्ड टायर बनाया गया, और इसको इंपॉर्टेंस दी गई.
अब आपकी बुक में 1992 के बाद के जो चेंजेस हैं, कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। अब एक बार फिर से पहले उनको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम ये सारा टेबल करेंगे। क्या चेंजेस हुए, आपने चेंजेस को याद करना है। 1992 के बाद नंबर वन फर्स्ट चेंज क्या आया, हर स्टेट को एक इलेक्शन कमीशन दे दिया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी कि इनके इलेक्शन कौन करवाएगा, कंट्री का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाएगा, कौन करवाएंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी कि हर स्टेट को एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन दे दिया गया, ताकि थर्ड टायर यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो भी इलेक्शन है, नाउ दैट विल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। नंबर टू, सम सीट्स वर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी। यानी कि 1992 के बाद जब भी किसी भी स्टेट में जब भी इलेक्शन होंगे, उनमें सीट्स रिजर्व जो है वो होंगी, एक तो होंगी एससी एसटी के लिए, दूसरी किसके लिए होंगी, विमेन के लिए। कितने परसेंट, कितने परसेंट विमेन के लिए, कितने परसेंट, 33% भी कह सकते हैं और 1/3 सीट्स भी कह सकते हैं, दोनों सेम। हाउ मच परसेंटेज ऑफ विमेन वर गिवन इन द सीट्स फॉर द पार्टिसिपेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 33% भी कह सकते हो, 1/3 सीट्स भी कह सकते हो विमेन पार्टी। इससे क्या हुआ, जितनी ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, जितनी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, उतना विमेन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंच सरपंच बनेंगी, काउंसलर बनेंगे, मेयर बनेंगे, और इस तरह से विमेन पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ी। 1992 से पहले नहीं थी, लेकिन 1992 के बाद क्या बढ़ी, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस, बॉडीज भी कहते हैं, लोकल बॉडीज भी कहते हैं। और क्या चेंजेस आए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। हमारी कंट्री में पहले 1992 से पहले ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती थी, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता था, और अगर एक पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पार्टी है, तो कई बार क्या होता था, पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण स्टेट की पार्टी को चेंज कर देते, कई बार एमरजेंसी भी लगा देते। लेकिन 1992 के बाद ये कंपल्सरी कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब क्या होता है, बीइंग अ सिटीजन मुझे कुछ टैक्स जो है वो सिटी में देने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ टैक्स मुझे स्टेट को देने पड़ते हैं, कुछ टैक्स मुझे सेंटर को देने पड़ते हैं। मेरी जो इनकम है उसका इनकम टैक्स मैं किसको देती हूँ, सेंटर को। स्टेट यानी कि पंजाब में रहते हुए मुझे कुछ टैक्स जो है पंजाब को देने पड़ते हैं। सपोज कल को मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगी या कुछ भी, आपके पेरेंट्स कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाते हैं, वो किसका टैक्स माना जाता है, स्टेट का माना जाता है। कुछ टैक्स आप कॉरपोरेशन को देते हो, जो आपकी सिटी की कॉरपोरेशन, सिटी में रहते हुए आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है, और भी बहुत से पार्किंग चार्जेस हैं। सिटी में रहते हुए आपके कितने ही तरह के जो टैक्सेस हैं वो आपको देने पड़ते हैं, वो किसकी मनी, वो किसकी इनकम मानी जाएगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हर एक लेवल अपनी अपनी तरफ से मनी कलेक्ट करेगा, तो किसी को भी मनी कलेक्शन या उनके पास मनी शॉर्टेज का क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा, और हर लेवल अपनी तरफ से बेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। अब हमने इसको टेबल को अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि इस टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको हो। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूरल एंड सेकेंड इज रूरल एंड साइन। हाँ जी, सबसे पहले रूरल एंड अर्बन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जो है इसको हमने थ्री पार्ट्स में कैसे पढ़ेंगे। अब विलेज जो होते हैं ना, विलेज के जो एरियाज ऐसे हैं जिन एरियाज में अभी भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। हमारी कंट्री में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो प्रॉपरली डेवलप नहीं, वहां पे अभी भी फैसिलिटीज नहीं मिली, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो विलेज से थोड़ा सा डिवेलप हो जाते हैं, ठीक है।
ऐसे विलेज एरियाज को क्या बोलते हैं? नगर पंचायत। नगर का मतलब है सिटी, यानी कि वो विलेज की तरह नहीं है, उसमें बहुत ऐसी फैसिलिटीज हैं जो शायद विलेज में नहीं होंगी लेकिन उन सिटीज में ही। तो ये भी नगर पंचायत जो है वो अर्बन पार्ट में आता है। सेकंड आ जाता है कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिग सिटीज नहीं है लेकिन स्मॉल सिटीज है। सपोज अगर हम जलंधर से चंडीगढ़ जाते हैं तो रास्ते में बहुत सी सिटीज आती हैं, टाउन्स आते हैं। टाउन्स का मतलब होता है वो प्रॉपरली बिग सिटीज नहीं है लेकिन स्मॉल सिटीज है। तो स्मॉल सिटीज में जो अर्बन बॉडी होगी उस सिटी को पूरा मैनेज करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसको क्या बोलते हैं? म्युनिसिपैलिटी। नेक्स्ट है बिग सिटीज लाइक जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट। ये जो बिग सिटीज हैं इन सिटीज के अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन को कौन हैंडल करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब अगर देखा जाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जलंधर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जलंधर में जब भी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे, 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, जब भी इलेक्शन होंगे आप सभी बच्चों के वार्ड अलग अलग है। तो सपोज इमेजिन करो कि जलंधर में अगर 50 वार्ड, आपका वार्ड अलग होगा। अगर आप सेम कॉलोनी में रहते हो तो वार्ड क्या होगा? सेम होगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि सपोज हम कहते हैं कि जलंधर में 50 वार्ड हैं तो कितने काउंसलर मिलेंगे जलंधर को? 50 काउंसलर। वार्ड मीन्स वार्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या बोलेंगे? काउंसलर। वार्ड का काउंसलर एक ही होगा। सपोज नहीं नहीं सपोज अगर मैं ये कहूँ कि जलंधर में 50 वार्ड्स हैं तो 50 काउंसलर होंगे। एक काउंसलर दो वार्ड को कैसे हैंडल करेंगे? एरिया ज्यादा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं लोकल ग्रास रूट लेवल। इमेजिन करो, मैंने जब सबको इमेजिन करने के लिए कहा है कि 50 काउंसलर्स हैं, अब 50 काउंसलर्स आपस में मिलकर अपने में से इलेक्ट करेंगे, किसको इलेक्ट करेंगे? मेयर। ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है वो कौन होगा? मेयर। अब जलंधर के अंदर 3-4 तरह की फैसिलिटीज जो याद करो कि मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सैनिटेशन, ठीक है, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, क्लीन वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक पार्क्स, रोड्स, मेंटेनेंस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेयर और काउंसलर्स की। सपोज आप जिस कॉलोनी में रहते हो आपकी कॉलोनी में पानी प्रॉपर नहीं आता, ठीक है, क्लीन वाटर की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे? किसके पास जाओगे? काउंसलर के पास जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी कट लग रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है, ये सारा कुछ मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कॉर्पोरेशन, काउंसलर्स एंड मेयर। अब म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको मेयर नहीं कहते, उनको क्या बोलते हैं? चेयरमैन। तो हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी? चेयरमैन। नगर पंचायत का जो हेड है उसको भी चेयरमैन कहते हैं, लेकिन मेयर की पोस्ट इसीलिए लगे क्योंकि वो कॉर्पोरेशन का हेड होता है। क्लियर? तो ये है सारा अर्बन डिपार्टमेंट। अर्बन डिपार्टमेंट मतलब सिटी डिपार्टमेंट, सिटी के अंदर की सारी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है ये इनके अंडर होती है, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पंचायत। सपोज अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे नगर पंचायत है, वहां पे कई बार आपने देखा होगा कि गार्बेज डंप होते हैं, उन डंप के आसपास येलो कलर के बॉक्सेस होते हैं, वहां पे क्या लिखा होगा? नगर पंचायत। इट मीन्स उस एरिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कंट्रोल करती है? नगर पंचायत। सपोज किसी ऐसे एरिया में गए हो, स्मॉल सिटीज है, वहां पे गार्बेज डंप है, उन्होंने येलो कलर के बॉक्सेस लगाए होंगे और जो गाड़ियां होंगी उनके ऊपर क्या लिखा होगा? सपोज एरिया का नाम और उसके ऊपर क्या लिखा होगा? म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, या फिर जलंधर, जलंधर के जो गार्बेज डंप है इनके जो येलो कलर की गाड़ियां हैं या जो भी एरियाज हैं उस पर क्या लिखा होगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ऑफिस भी है ऊपर, क्या लिखा होगा? जलंधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। कई बार हम कहते हैं ना कि वर्कर्स रोड जो है प्रॉपर जो है वो गार्बेज नहीं उठाया गया, कॉर्पोरेशन वर्कर्स की क्या है? स्ट्राइक। तो किसकी स्ट्राइक मानी जाएगी? कॉर्पोरेशन वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं जिनको कॉर्पोरेशन सैलरी देती है उनकी स्ट्राइक है, और इसीलिए सिटी में प्रॉपर गार्बेज जो है वो नहीं उठाया। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रूरल। रूरल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि विलेज। अब मैंने आपको बताया कि सिटी के अंदर की सारी प्रॉब्लम जो है वो कौन सॉल्व करता है? काउंसलर एंड मेयर। जलंधर के बाहर तो बहुत से विलेजेस हैं। जलंधर जो है, जलंधर एक डिस्ट्रिक्ट है, जलंधर इट्सेल्फ इज अ डिस्ट्रिक्ट।
जलंधर के बाहर कितने विलेजेस हैं, इन विलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन परफॉर्म करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड। और उसके लिए रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, इसको ऐसे याद करो, यहां पे है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जैसे हमारी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को क्या बोलते हैं, जिला परिषद। ये सिक्स में सारा किया हुआ है आपको। जिला परिषद भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं, और इनके जो हेड होते हैं कौन होते हैं, डीसी। डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जलंधर के जितने भी विलेज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस इनके पास जलंधर के भी कुछ एरियाज, यानी कि पावर्स को डिवाइड किया गया है। सम पावर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेयर्स एंड सम पावर्स हैव बीन डिवाइडेड टू डीसी। डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब सम टैक्सेस विल बी कलेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट डीसी, और इनका प्रॉपर डिपार्टमेंट है डीसी ऑफिस। डीसी ऑफिस, अब इमेजिन करो, पीछे बीच में ना बोलना नहीं, अब इमेजिन करो आप में आपके बहुत से ऐसे मतलब पेरेंट्स हैं, मदर फादर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में टीच करते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि वहां पे डीओ आए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, यानी कि जलंधर और जलंधर के जितने भी पंजाब बोर्ड से रिलेटेड जो स्कूल्स हैं या कोई भी स्कूल में डीओ या डीसी जो है वो विजिट कर सकते हैं। दैट इज एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर, हेल्थ फैसिलिटी इनके ऊपर। तो जब कोविड के टाइम पीरियड में कुछ डिसीजन डीसी ने लिए थे, कुछ डिसीजन मेयर ने लिए, दोनों मिलकर सिटी को, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन सिटी के अंदर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटी और सिटी के बाहर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, हर स्टेट में ऐसा सिस्टम है। मैं तो जैसे आपको पंजाब का एग्जांपल बताऊं, हर स्टेट में ये सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया सारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब जलंधर, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि हमारा जलंधर है वो एक डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स। सेकेंड जो है दैट इज ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। डिस्ट्रिक्ट को आगे डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स में। सपोज एक डिस्ट्रिक्ट है जलंधर है, जलंधर के अंदर 15 ब्लॉक्स। 15 ब्लॉक्स का मतलब कि मतलब ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक ब्लॉक में 15 विलेजेस आ गए, सेकेंड ब्लॉक में 20 विलेजेस है, थर्ड ब्लॉक में 5 विलेजेस है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। अब ब्लॉक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत। पंचायत भी बोलते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं। ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं या पंचायत समिति भी कहते हैं। इनका हेड कौन होता है, बीडीओ। बीडीओ मींस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब डीसी जो है ना, डीसी की पावर ज्यादा है। डीसी ने अपने अंडर आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोई मीटिंग बुलानी है तो फटाफट मीटिंग की, अर्जेंट मीटिंग बुलानी है तो वो क्या करेंगे, कितने 15 ब्लॉक्स है तो कितने बीडीओस होंगे, 15 ब्लॉक्स हैं तो कितने बीडीओ होंगे, 15 बीडीओस। हर ब्लॉक का एक ऑफिसर होगा, कितने हो गए फिर, 15 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। अब डीसी ने, डीसी को स्टेट की तरफ से जो गाइडलाइंस आएंगी ना, डीसी किनको बताएगा, बीडीओस को। अब बीडीओस आगे क्या करेंगे, हर ब्लॉक के अंडर 15 विलेजेस हैं और हर विलेज की अपनी पंचायत होगी, तो सबसे नीचे लोएस्ट लेवल पे क्या होगा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब विलेज, सबसे लोएस्ट यूनिट। एक विलेज भी हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है पॉपुलेशन कम होती है तो 2 विलेज भी हो सकते हैं। अब ग्राम पंचायत में कौन होंगे, पंच एंड सरपंच, ठीक है। ये हो गया ग्राम पंचायत, ये हो गया ब्लॉक समिति, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब मैंने आपको फिर से बताया कि सेंटर की तरफ से सबसे ज्यादा जो ग्रांट्स हैं या सीएम को जो भी गाइडलाइंस दी जाएंगी, सीएम वो गाइडलाइंस किनके साथ मीटिंग करेंगे, डीसी के साथ। सपोज हमारे पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो कितने डीसी हो गए, 23 डीसी। उसके बाद डीसी आगे किनको गाइडलाइंस देंगे, बीडीओस, ठीक है। अब बीडीओस ने आगे पंच और सरपंच के साथ मिलना है तो वो आगे उनके साथ मीटिंग करेंगे,
कि हमें ये गाइडलाइंस मिली हैं, आप आगे विलेज एरियाज में ये ग्रांट्स हैं या ये आपने फॉलो करनी है, ये स्कीम्स हैं। उसके लिए क्या होता है, हर विलेज की अपनी ग्राम पंचायत होती है। अब ग्राम पंचायत कैसे इलेक्ट होती है, इसको इलेक्ट करने के लिए हर विलेज यानी कि जितने भी विलेज हैं उस विलेज में जितने भी लोग जिनकी एज 18 से ज्यादा है, ऑल मैन एंड वुमेन, दे विल फॉर्म ग्राम सभा। उनको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। ये किसी यूनिट में नहीं आता, ये जस्ट मैंने आपको वैसे बताया कि ग्राम सभा आपको पता होनी चाहिए कि ग्राम सभा क्या है और क्या फर्क होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। ध्यान से सुनो, अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैंने टॉप से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करो ग्राम सभा। इमेजिन करो कि आप किसी विलेज में गए हो, उस विलेज की पॉपुलेशन 3000, 3000 में बच्चों को निकाल दो और उस पॉपुलेशन में मेन एंड वुमेन सपोज 3000 में से 1500, तो 1500 के 1500 कौन होंगे, ग्राम सभा, ठीक है। ये ग्राम सभा का मतलब होता है जो वोटर्स है, वो क्या हो गए, वोटर्स। अब ये ग्राम सभा में जब भी पंच और सरपंच के इलेक्शन होंगे ना, तो ये 1500 जो है वो अपने में से किसको चुनेंगे, पंच एंड सरपंच। पंच का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5, ये ज्यादा भी हो सकता है, नंबर ज्यादा भी हो सकता है। पंच तो वैसे मतलब पुराना सिस्टम था कि किसी ना किसी विलेज में पंच और सरपंच होते थे। पंच और सरपंच डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, पंच 10 भी हो सकते हैं, पंच 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन पंच आपस में मिलकर किसको चुनेंगे, सरपंच। अब सपोज आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो विलेज लेवल से बिलोंग करते हैं, जब भी आप उस विलेज में कोई पंच और सरपंच का इलेक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, पूरे विलेज में सपोज अगर 10 लोग खड़े हैं, 15 लोग खड़े हैं, तो वो पंच के लिए इलेक्शन के लिए चुने जाते, मतलब होते हैं। ग्राम सभा वोटिंग करती है और उस वोटिंग के इलेक्शन में जो पंच और सरपंच चुने जाते हैं वो ग्राम पंचायत के मेंबर बनते हैं। अब मैं 2-3 लाइंस बोलूंगी, मुझे बताना, पंच एंड सरपंच इज अ इलेक्टेड बॉडी ऑफ ग्राम पंचायत, यस। ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ विलेज आर द पार्ट ऑफ ग्राम सभा, ओनली अडल्ट सिटीजन, अडल्ट सिटीजन कौन होते हैं, अबव 18, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कितने पार्ट है, नंबर 1 जिला परिषद, नंबर 2 ब्लॉक समिति, नंबर 3 ग्राम पंचायत। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, अच्छा इनमें से टेम्पररी एंड परमानेंट क्या है, ग्राम सभा परमानेंट है। एक बार जो पर्सन 18 ईयर है वो ग्राम सभा का मेंबर है थ्रू आउट हिज लाइफ, लेकिन ग्राम पंचायत विल बी इलेक्टेड ओनली फॉर 5 ईयर। सारे जितने भी हैं वो सिर्फ क्या है, 5 ईयर। टर्म कितनी है, 5, चाहे काउंसलर है, चाहे मेयर है, चाहे ग्राम पंचायत है, पंच है, सरपंच है, सबकी टर्म कितनी है, 5 ईयर। टर्म का मतलब होता है टेन्योर, टेन्योर का मतलब कितने साल के लिए वो पंच है सरपंच बनेंगे, 5 ईयर्स, ठीक है। बीडीओ की टर्म, लेकिन डीसी की टर्म 5 नहीं है। डीसी जो है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस एग्जाम क्लियर होता है इनका। अच्छा एक और चीज याद रखो, हमारी कंट्री में जो इलेक्टेड टर्म्स होती है ना उनकी होती है टेन्योर 5 ईयर्स। अब इसमें से किसकी टर्म जो है वो इलेक्टेड नहीं है, डीसी की टर्म इलेक्टेड नहीं है। एक बार जो डीसी बन गए वो डीसी थ्रू आउट हिज लाइफ डीसी रहेंगे रिटायरमेंट तक। चेंज होते रहते हैं, मतलब सिटी चेंज हो जाएगी, पहले हमारे जलंधर के जो डीसी थे कोई और थे, उसके बाद कोई और, ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन हमारी कंट्री में जो पंच एंड सरपंच ही इलेक्शंस के द्वारा चुने जाते हैं, इनकी टर्म जो है वो कितनी होती है, 5 ईयर, ठीक है। वंस द सरपंच इज इलेक्टेड ही विल बी इलेक्टेड फॉर थ्रू आउट द लाइफ एंड व्हाट विल बी द टेन्योर, 5 ईयर, ठीक है। एंड व्हाट इज द टेन्योर ऑफ डीसी, टिल रिटायरमेंट। आउट ऑफ ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा विच इज अ टेम्पररी बॉडी, ग्राम पंचायत। 5 साल के बाद सारे पंच सरपंच चेंज हो जाएंगे, नए आएंगे, ठीक है। उसके बाद रूरल एंड अर्बन, अर्बन और रूरल जो है, रूरल का मतलब क्या है, रिलेटेड टू विलेज, लेकिन विलेज के अलावा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, रूरल का मतलब सिर्फ यही नहीं है विलेज। अगर मैं ये पूछूं कि जिला परिषद इज पार्ट ऑफ रूरल और अर्बन, जिला परिषद इज अ पार्ट ऑफ रूरल और अर्बन, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, टेबल से क्लियर हो रहा है। अर्बन म्यूनिसिपैलिटी इज अ पार्ट ऑफ रूरल और अर्बन, हाँ। अगर ये पूछूं कि म्यूनिसिपैलिटी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड और पंचायत,
पंचायती, ये पूरा सिस्टम, फिर से ये पूरा सिस्टम जो है वो पंचायती राज सिस्टम है। पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? पंचायती राज सिस्टम। म्यूनिसिपैलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है या पंचायती राज सिस्टम का पार्ट है? पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, कमेटी का नाम जिसने रिकमेंडेशन दी थी इसके रिगार्डिंग, बलवंत राय मेहता कमेटी, एनटीएससी के स्टूडेंट, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस दिस पैटर्न। कौन सी पहली स्टेट थी जिसने सबसे पहले लोग इसके पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया था? राजस्थान। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट विच इंट्रोड्यूस दिस पैटर्न ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पूरा पूरा सिस्टम फॉलो किया। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड टू हाउ मेनी पार्ट्स? टू, रूरल एंड अर्बन। ग्राम पंचायत इज अ पार्ट ऑफ रूरल और अर्बन? रूरल। ब्लॉक समिति इज अ मिडिल लेवल ऑफ, अरे मिडिल लेवल ऑफ जिला परिषद एंड ऑप्शंस विल बी गिवन ना, ऑप्शन विल बी, ब्लॉक समिति विल बी द मिडिल लेवल ऑफ जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना ना। ठीक है, ओके। स्मॉल सिटीज हैविंग विच लोकल बॉडी? म्युनिसिपैलिटी। एंड द हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी इज? ओके, हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। टर्म ऑफ काउंसलर, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वार्ड रिप्रेजेंटेटिव? काउंसलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्ड? इलेक्टोरल एरिया फॉर इलेक्शंस ऑफ, कोई भी किसी भी तरह से वार्ड हो सकता है। हाँ, नगर पंचायत जो विलेज और टाउन्स के बीच होती है। नगर पंचायत अल्टीमेटली वो विलेज नहीं होता और वो स्मॉल सिटी से थोड़ा सा कम होता है, मतलब अल्टीमेटली नगर पंचायत उन एरियाज के लिए जो प्रॉपर विलेज नहीं होता। हाँ जी, कंट्री साइड, यहाँ पे हमारे इंडिया में कंट्री साइड नहीं, हम कहते हैं कंट्री साइड चलता है यूरोपियन एरियाज में। हमारे यहाँ पे तो विलेज, विलेज का मतलब ही क्या है, या तो रूरल और अर्बन की बात करें तो नगर पंचायत का मतलब वो प्रॉपर विलेज नहीं है, आउटस्कर्ट्स कह लो, आउटस्कर्ट्स। हाँ जी, पीछे जिन्होंने हेड डाउन किया है, एनी प्रॉब्लम? Yes, अभी मैं कुछ सैंपल पेपर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ बेटा। नहीं, ये डिसॉल्व नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अपनी। Yes, keep quiet. Identify the, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही बेटा। आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। इट इज अ फॉर्म टू डिस्कस लोकल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। All the decisions are taken through this, and no decision is official and valid without the consent of this body at the village level. And they have the power to use their right to vote to elect their body at the village level. Options are block samiti, zila parishad, municipality or gram sabha. यहाँ पे ग्राम सभा के power का मतलब क्या है? ग्राम सभा हैज अ पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इनके रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा जाएगा? पंच एंड सरपंच। ठीक है, पंच एंड सरपंच की हेल्प के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उसका टेन्योर इनके साथ नहीं होता, उसको बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो गवर्नमेंट पोस्ट होती है। एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पंचायत सेक्रेटरी? टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग्स। पंच और सरपंच कीप ऑन चेंजिंग, बट द सेक्रेटरी विल रिमेन सेम थ्रू आउट हिज रिटायरमेंट एज। अपनी रिटायरमेंट एज तक जो है वो सेक्रेटरी सेम रहे। ठीक है,